जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। पिछले दिनी एक सिंगर वालों जो सतगुरु रविदास महाराज नाम लेबा संप्रदाय के महाराज उपर जो टीका टिप्पणी की एक अपने गीत राही और उसने एक दर्शाने की कोशिश की है कि संत समाज जो सतगुरु रविदास महाराज को मानता है वह समाज को गुमराह कर रहा और समाज को गलत रास्ते लेके जा रहा। सो इस करके समूह समाज दी जथेबंदियां जिन्हें भी सतगुरु रविदास नाम लेबा जथेबंदियां ने उन्हां दी अज एक मीटिंग जलंधर विखे हुई और मीटिंग ने सख्त ताड़ना की उस कलाकार नूं और दो दिन का अल्टीमेटम दिता गया। अगर दो दिन के वो समाज के कोलो मुआफ़ी नहीं मंगता तो दो दिन तो बाद किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट जो आएगा ज कुछ भी किसी भी तरह का जो एक्शन लिखा जाता उसका जिम्मेवार खुद आप कलाकार और उस गीत नू लेखक जो लिखण वाला वो दोनों जिम्मेवार होंगे। और असं एक बार फिर ताड़ना करते हैं कि जी उन्हें कमिटमेंट की आ दो दिन के अंदर अंदर अपना फैसला लैन की या मुआफ़ी मंगण की या कुछ भी करन की जो नहीं करता तो फिर जेड़े भी स्टे निकलेंगे वह जिम्मेवार खुद कलाकार से राइटर होगा। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जो बोले सोनर अज जलंधर विखे रविदासिया कौम की एक मीटिंग हुई जिस तकरीबन सारिया ही जथेबंदियों के मोहतवार सज्जन इतने पहुँचे जिन्होंने एक गायक जिसका नाम अवतार मैमी शायद जीवन मैमी गीतकार पवन है कोई स्पेन तो उन्होंने एक बहुत ही भद्दी शब्दावली वाला गीत गाया है जिस गीत की सारे समाज ने घोर निंदा की है क्योंकि इस गीत के कुछ आपत्तिजनक शब्द हैं जो कि रविदासिया कौम भावनावां नूं ठेस पहुँचाते हैं। जेकर वो एक दो दिन के माफ़ी मंगता है तो ठीक है नहीं सारिया ही जो जथेबंदियां एक कमेटी का रूप धारण करके अगली रूपरेखा तैयार करेंगे। जेकर वो नहीं माफ़ी मंगता तो जेकर वो माफ़ी मंगता है तो करके माफ़ किया जा जो बोले सुनर पै सब तो पहले सारियां नूं जय गुरदेव धन गुरदेव जय भीम जय भारत। जिस तरह सारे ही साथी कुछ दिनों तो जीवन मैमी वालों एक बहुत ही गलत तरीके नाल उसने जो गाना गाया और उसने बिच कई इस तरह के गलत शब्द यूज कर गया है जिसे नाल रविदासिया कौम नूं बिच लै लिया उसने खुद नूं भी लै लिया और होर भी कई चीज़ों नूं लै लिया और वो जानी थोप रहा है कि असी तुसी और रविदासिया जिहड़ा समाज है कहीं वह कहता बुद्ध नूं मन्नो कहीं वह कहता इस नूं मन्नो कोई भी उस जुड़े गायक ने शब्दावली आ।